हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। तो आज मैं लाया हूं, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा वीडियो, अगेन एक फोन का वीडियो है। फोल्डेबल फोन्स पे मेरे व्यूज, फोल्डेबल फोन लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, व्हाट आर माय व्यूज। बेसिकली मैं इस चैनल पे ड्रोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता हूं और टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता हूं, इसलिए चैनल का नाम है ड्रोन टेक डॉक्टर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें पहले, अगर आप टेक वगैरह में गैजेट्स में इंटरेस्टेड हैं। तो टेक वो जो मैं एक्सपीरियंस करता हूं, जो मैं यूज करता हूं। तो बात आज हो रही है फोल्डेबल फोन्स की। तो ऐसा होता है जैसे फैशन रिपीट होता है, तो वही चीज अब फोन्स में हो रही है। 90s के बाद आई थिंक 2000 में जब 2002-03 चल रहा था, तब फोल्डेबल फोन्स आए थे मार्केट में, और तब इनिशियली मोबाइल का जो बूम है शुरू हुआ था। तो उस टाइम में फोल्डेबल फोन आए थे, तब मैंने यूज़ किए थे, तब भी मुझे वही प्रॉब्लम आई थी, और आज भी फोल्ड तो फोल्ड अप फोल्ड में प्रॉब्लम आनी ही है और फोल्ड प्रॉब्लम करेगा ही। तो एक 100 बातों की एक बात डायरेक्ट बोल रहा हूँ, चाहे सैमसंग का फ्लैगशिप फोल्डेबल फ़ोन हो जो लंबा करके खुलता है या बंद होता है, चाहे अब वो फ्लिप मोटोरेजर का आ रहा है ऊपर से नीचे बंद होता है, या एक सैमसंग का आ रहा है अब जेड फ्लिप, जितने भी फोल्ड वाले हैं, बात सिंपल सी आपको बताता हूँ। चाहे आप गत्ता फोल्ड कर रहे हैं बार बार, चाहे प्लास्टिक को बड़ी जोर से कर रहे हैं, अल्टीमेटली जब ऐसे से होगा तो ये देख रहे हैं ना फोल्ड, इसकी लाइफ जाती है, जाएगी ही जाएगी। इसको कहते हैं हिंज कहा जाता है, और अल्टीमेटली ये कटा। तो यही होता है फोल्डेबल फोन्स में, ये मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। फोल्डेबल फोन क्या, स्लाइडर फोन्स में भी ये टेक्नोलॉजी, पहले बीच में स्लाइडर फोन आए, स्लाइडर जिसमें ऐसे स्लाइड होते हैं बंद होते हैं, स्लाइड होते हैं बंद होते हैं, इसमें भी एक हिंज है, इसमें थोड़ा सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, और फोल्ड में तो आपको फोल्ड होता ही है। तो कहने की बात ये है कि अगर आपके मन कर रहा है कि अब फ्लिप जेड वाला थोड़ा बजट में रहेगा फ़ोन एज कम्पेयर टू जो फ्लैगशिप फोल्ड फोन सैमसंग ने रिलीज़ किया था लेने की, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और ऑन द टेक्निकल फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी बाकी सब रहेगी एक साइड में, जो फोल्ड ही है ना आपका, फोल्ड ही आपको प्रॉब्लम करने कर देगा विद इन 6 to 7 months ऑफ गुड यूजेज। 6-7 महीने बाद आपको वो प्रॉब्लम आने वाली। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि बेसिकली जब वो फोल्ड है तो इसका मतलब उस फोन के दो हिस्सों में बंटा हुआ है, और उन दो हिस्सों में जो कनेक्शन बना होता है ना भाई साहब, इतनी पतली तार से और इतने पतली सिस्टम, मतलब बहुत ही डेलिकेट वायर्स से कनेक्टेड होता है वो, और वो बार बार फोल्ड अनफोल्ड करने से वो तार 6-7 महीने में हिलती तो ज़रूर है, और थोड़ी सी ज़्यादा हिल गई तो दोनों का कनेक्शन गया, प्रॉब्लम स्टार्ट। तो जो जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे सब्सक्राइबर्स जो यहाँ नॉलेज लेने आते हैं, उनको मैं अपना नॉलेज दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ले सकते हैं, मुझे भी पसंद है कॉम्पैक्ट वो। अब ये M30s है, इतना लंबा फ़ोन है, ये कॉम्पैक्ट होकर जेब में आएगा, छोटा चौरस सा लगेगा, हमें अच्छा लगता है। पर अच्छा लगना प्रैक्टिकलिटी नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली फोल्ड्स आर डेलिकेट, फोल्ड्स बहुत कमज़ोर होते हैं। जितना मर्जी कंपनी लिख ले कि मैंने 1000 बार 5 लाख बार करके देखा है टेस्ट, ये इतनी देर तक चलेगा चलेगा, नहीं चलता। फोल्ड जब आ गया फ़ोन के अंदर तो समझ लो एक उसमें कच्चापन, एक उसमें सेंसिटिविटी उसकी बढ़ गई टूटने की। नंबर दो, उसमें आपका जब फोल्ड होगा स्क्रीन के ऊपर आप कोई भी प्रोटेक्टर नहीं लगा सकते, तो स्क्रीन भी रिस्क पर है उसकी। अगर वो फोल्ड खुला और नीचे गिर गया, क्रैक आ गया, तो आपकी मेन स्क्रीन गई, तो ये इसका दूसरा नुकसान। पहला नुकसान आपको बता चुका हूँ, फोल्ड ख़राब होना ही होना है। दूसरा नुकसान, कोई प्रोटेक्टर आप नहीं लगा सकते। तीसरा, महंगा बहुत है, चाहे वो फ्लिप वाला ही जेड वाला ही है, वो भी काफ़ी महंगा लॉन्च होगा, और जो आप देख ही रहे हैं गैलेक्सी फोल्ड जो लॉन्च हो चुका है, 2 लाख का फ़ोन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली है, अब जनता एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूँ काफ़ी महंगा है और आउट ऑफ द आउट रेंज जाके। चौथा, वो बात नहीं लगती है भाई साहब, अगर आपके पास टैबलेट है और आप चाहते हैं आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आईपैड ले लो ना, या गैलेक्सी ले लो, गैलेक्सी की टैब सैमसंग की टैबलेट ले लीजिए, उसको टैबलेट बना के देखने का कोई फ़ायदा नहीं। पाँचवा, जो मुझे भी इफेक्ट होता है वो है
डिस्प्ले कैसा है। डिस्प्ले में जब एक लाइन आएगी ना आपको फोल्ड वाली, तो सारा टैबलेट का मजा गया। डिस्प्ले वही अच्छा है जिसमें कोई भी आपको पार्टीशन ना दिखे, कोई भी ऐसी गड़बड़ ना दिखे। जब आपने फोल्ड वाला फोन ले लिया है, अब वो चाहे टैबलेट जितना बड़ा हो रहा है, तो वो जो फोल्ड है वो तो दिखेगा। जितना मर्जी रिव्यूअर्स बोल लें, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जब आप रियल लाइफ में लेके बैठेंगे वो फोन और टैबलेट के फोन, उसको खोल के वीडियो देखेंगे, तो वो जब वो दिखेगा ना लाइन, आपका दिल रोएगा कि मैंने इतने पैसे लगाए और ये लाइन मुझे दिख रही है डिस्प्ले में, हैम्पर कर रही है। अगर आप एक ट्रू लवर हैं मतलब कलर्स के और डिस्प्लेस के, तो ये इसका एक और ड्रॉबैक है। तो फोल्ड जो फोन है भरा हुआ है ड्रॉबैक से, जो कि प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी टेक्नोलॉजी सारी साइड पर रख के बता रहा हूँ। बाकी जो है उसमें दिख रहा है आपको प्रोसेसर अच्छा डाल दिया, 12 GB की रैम डाल दी, ये वो सब फास्ट कर दिया। भाई साहब, जब वो आपका या तो फोन गिर गया तब खत्म है, क्योंकि प्रोडक्ट लगना नहीं है। अगर फोल्ड हिल गया, हिलना जरूर है वो, तब भी खत्म है। तो वाई आर यू इन्वेस्टिंग योर मनी इन सच ए डिवाइस जो आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह भी नहीं लग सकती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो होती है जैसे आपने एक महंगा फोन लिया, आप उसको 4-5 साल चला रहे हैं। सो दैट इज़ एक मतलब आप कहेंगे कि आपने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया, पैसे सही जगह लगाए, क्योंकि 4-5 साल तक आप उस पर सेटिस्फाइड हैं। जैसे एप्पल का फोन है, मैं फ्लैगशिप फोन लेता हूँ, 4-5 साल मेरा चलता है उसमें, एवरी ईयर न्यू सॉफ्टवेयर आता है उसमें कंपेटेबल होता है, तो वो वसूल हो जाते हैं। अगर इतना महंगा फोन ले गया आपने, 5-6 महीने में खराब हो गया या छोड़ दिया, तो फिर वो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो मेरी आपसे यही सलाह है, इस वीडियो का मेन मैसेज यही है कि डोंट एवर बाय फोल्ड फोन्स, चाहे वो मोटोरोला का है, चाहे वो सैमसंग का है। अभी एक अफवाह इन फोल्ड के चक्कर में और आई थी, आईफोन भी फोल्ड वाला लॉन्च करेगा अगला फोन, पर मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आईफोन ऐसा काम मेरे हिसाब से, जो मेरा नॉलेज कहता है अब तक का और हिस्ट्री जो एप्पल की, एप्पल कभी भी लॉन्च नहीं करेगा। एप्पल हमेशा अपने ध्यान में रखता है दो चीज़ें, एक तो वो प्रोवाइड करवाता है आपको इजीनेस टू यूज़ देयर डिवाइसेस, दूसरा बताता है टेक्नोलॉजी बिल्कुल जबरदस्त, और तीसरा होता है एंड्योरेंस, मीन्स ताकतवर चीज़ें होती हैं, स्ट्रांग मतलब गिरे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फोल्ड वाला चीज़ बहुत ही हल्की चीज़ है, जिस फोन में डलेगी उसको कमज़ोर कर देगी और आपका एक्सपीरियंस भी बाहर में जाएगा जितने मर्जी पैसे लगा दो। तो 100 बातों की एक बात इस मैसेज का वीडियो कि फोल्ड फोन है, अगर शौक है आपको, बहुत पैसे है, मतलब यू डोंट केयर अबाउट दैट, यू नो, तब यू कैन बाय। वो नहीं कह रहा मैं, आप मत लें, टेक्नोलॉजी का मजा लें, डू शो ऑफ, बट दिस वीडियो इज़ फॉर मासेस जो कि सही जगह पर पैसे लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि फोल्ड फोन के बारे में मत सोचें। आई एम टेक लविंग पर्सन, आई लव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में मुझे पैसा लगाना अच्छा लगता है, बट आई एम सेइंग दिस टेक्नोलॉजी इज़ नॉट प्रैक्टिकल, अल्टीमेटली इट विल ब्रेक आफ्टर फ्यू मंथ्स। सो दिस वॉज द मैसेज, डोंट बाय फोल्ड फोन्स। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा मैं ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार ज़रूर हमसे प्रकट करें, कि आप औरों को भी शेयर होता है कि जो ये सब्सक्राइबर लोग हैं हमारे, हमारे भाई साहब, हमारे जो भी यहाँ पर आते हैं, उनका क्या विचार है फोल्ड को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और M30S के बारे में हमेशा ऐसे बोलता हूँ, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है सेटिस्फाइड है ज़रूर लिखें, क्योंकि M30S इज़ द बेस्ट फोन टिल नाउ, 2020 में भी इससे बढ़िया फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ मिड सेगमेंट में। तो कमेंट में लिखें नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो की अनबॉक्सिंग देना चाहते हैं हमारे वीडियो पे, किस फोन की इसके लिए। और ड्रोन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आने वाली होगी मैं बताऊंगा, कुछ आ रही है शायद लॉन्च की, तो ज़रूर अपडेट रहें, बने रहें हमारे साथ, ड्रोन वाले भी दोस्त भी नाराज ना हो, जैसे ही कोई अपडेट आती है वो मैं देता हूँ। अब रेगुलेशंस का कोई अपडेट आ ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ चलूँगा, अपनी तरफ से बना नहीं सकता, जो रेगुलेशन है कि वही बनाऊंगा ना, तो इसलिए थोड़ा उसमें डिले हो रहा है। थैंक यू, कीप वॉचिंग आर वीडियोज़, और 10,000 से ऊपर टकवाएं ताकि हम स्टोरीज शेयर कर सकें, 10,000 पे स्टोरीज शेयर हो जाती हैं, तो स्टोरीज होंगे तो फिर इंस्टेंट मुझे आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू, सब्सक्राइब करें, जय माता दी।